है उस रिपोर्ट को देखें, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करें, उसके साथ साथ एनएन वोरा साहब की रिपोर्ट भी थी और इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्टें हैं, वो सब होम मिनिस्ट्री में इस वक्त डस्ट कलेक्ट कर, इनको क्या जरूरत है कि एक और शख्स को लाया है कि वो भी अब सस्टेन डायलॉग, क्या पत्रकारों साहब ने सस्टेन डायलॉग नहीं किया दो साल? ये क्या इसकी बुनियाद क्या है? एक तो ये है कि दोवल साहब का डॉक्ट्रिन बिल्कुल फेल हो गया कि जितना दबाओगे उतना कश्मीरी दबेगा, कश्मीरी ने दिखा दिया कि जितना तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे उससे ज्यादा हम उभरेंगे, वो आज देख रहे हैं उसका तमाशा। डॉक्टर साहब आप हमने समझा कि डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे इसको ख़त्म करेगी, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई, लोगों की गुर्बत बढ़ गई न सिर्फ यहाँ बल्कि सारे हिंदुस्तान में, इसलिए इनकी पॉलिसियाँ फेल हो गई। ये जानने लगे कि साहब कोई रास्ता निकालना है, अगर रास्ता निकालना है वो सियासी डायलॉग जो पहले हुआ है उनको खोले, उनको पार्लियामेंट के सामने पेश करें और फिर पार्लियामेंट उसका फैसला करे कि क्या सही रास्ता है और क्या नहीं है। जब सब क्या टाइमिंग को देख के आप बोल सकते हैं कि क्योंकि गुजरात इलेक्शन होने हैं, जिस तरीके के रिवर्सल्स हुए हैं, क्या टाइमिंग? देखिए साहब, मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई भी इफेक्ट गुजरात पे होगा, ये जम्मू कश्मीर का है, ये हमारा सियासी मामला है और यह सदियों से सियासी मामला चल रहा है। इसका सलूशन उन रिपोर्टों को निकाले, उन रिपोर्टों पर बहस हो पार्लियामेंट में और वो लोगों के दिलों की आवाज़ को समझने की कोशिश करें। कश्मीरी बंदूक से दबने वाला नहीं है। क्या बीजेपी कोशिश कर ली? बीजेपी का मौकफ जो रहा है कि वो किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। बीजेपी के कई मौकफ आए, कई मौकफ फेल हो गए, अभी एक नया इन्होंने वो शतरंज का वो फेंका है कि इससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। फारूक साहब, उमर साहब की बात इनको याद रखनी चाहिए, जो उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी यहाँ आए रेल का उद्घाटन करने अनंतनाग में, उस वक्त उन्होंने, सोनिया गांधी जी भी थी, मैं भी था, उनने साफ उनके सामने ये कहा ये सियासी मामला है, ये डेवलपमेंट वगैरह से नहीं होगा, ये सियासी मामले को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। फारूक साहब, 2016 और 17 में जिस तरह से हमने वायलेंस देखी, आपको लगता है कि अच्छी शुरुआत है जो केंद्र सरकार ने की है, जिस तरह से स्टेटमेंट जारी हुआ है होम मिनिस्टर की तरफ से? वो लोग फेल हो गए यहाँ पे अमन लाने के लिए, उन्होंने हर तकरी का इस्तेमाल किया, दबाने का किया, फौज के झट्ठे के झट्ठे भेज दिए कि लोग इसे दब जाएंगे, डिमोनेटाइजेशन की कि ये सब पैसा जो आ रहा है ये मिलिटेंट्स का है, उन्होंने ये नहीं देखा ये कश्मीर के दिलों का दर्द है जो कश्मीरियों को इसे उठा रहा है और कश्मीरी दबने वाला नहीं है, कितना भी जोर लगा लेंगे। और क्या, अगर मजबूर नहीं है तो क्यों है? अगर ये समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं हुआ, कई दफा आए बातचीत करने के लिए आए, कुछ नहीं निकला, अब ये एक और पैंतरा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप समझते हैं? मैं समझता हूँ ये वक्त जाया करने का सवाल है, इन्हें अगर सचमुच यहाँ के लोगों के दिलों को मरहम लगाने की बात करनी है तो इन्हें जो प्रीवियस इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए और उन्हें पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए जैसे वो उन्होंने लिखी है, उसमें एक भी अक्षर जो है वो हटाना नहीं चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज़।